हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप रोजाना 30 मिनट की वॉक करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉकिंग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। चलना एक लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है जिससे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या बड़े महंगे जिम की आवश्यकता नहीं है। कंफर्टेबल कपड़े, एक पेयर शूज और निकल जाएं अपने नजदीकी ग्राउंड या पार्क में, और फिर चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें या नॉर्मल वॉक, यह आपको बहुत फायदे पहुंचाएगा। डॉक्टर्स आपको रोजाना 45 मिनट की वॉक की सलाह देते हैं, पर शुरुआत अगर आप 30 मिनट से भी करें तो इसके भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हृदय रोग के खतरे को कम करती है वॉक। वॉक करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित चलने से आपके हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है। नंबर 2, फेफड़ों की क्षमता में सुधार। रोजाना की वॉक आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है, जिससे आपकी सांस लेने में सुधार हो सकता है। रोजाना की वॉक लंग्स की मसल्स में मजबूती लाती है, जिससे आपको गहरी और अच्छी तरह से सांस ले पाने में मदद मिलती है। नंबर 3, वजन घटाने में सहायक। पैदल चलना भी आपके वजन को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। तेज गति से चलने से आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। यह मोटापे को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के लिए मुख्य कारण है। नंबर 4, आपके मूड को बेहतर करती है वॉकिंग। वॉकिंग न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। पैदल चलने से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिल सकती है। रोजाना की वॉक से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपके मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाले रसायन हैं, जो आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, आपके संतुलन को बेहतर करती है वॉकिंग। आपके चलने का एक अन्य लाभ ये है कि ये आपके संतुलन में सुधार कर सकती है। ये आपके पैर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और आपके पोस्चर को बेटर करती है, जिससे आपके गिरने और चोट लगने का खतरा कम हो सकता है। नंबर 6, आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करती है वॉक। अगर आपको अच्छी नींद में समस्या है तो वॉकिंग आपकी नींद को अच्छा करने में मदद करती है। वॉकिंग आपके पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर करती है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बेटर होती है। नंबर 7, विटामिन डी लेने का आसान तरीका। पैदल चलना अपने आस पड़ोस को एक्सप्लोर करने और प्रकृति का आनंद लेने का एक शानदार तरीका हो सकता है, पर जब आप खुले वातावरण में और सुबह की धूप में वॉक करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आज लोग जहां विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, तो हल्की धूप में वॉक करना काफी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 8, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करती है वॉक। आज जहां खराब लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 30 से 45 मिनट की वॉक आपके डायबिटीज होने के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। वॉक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और डायबिटीज होने के खतरे को कम, तो सोचिए मत, रोजाना वॉक के लिए समय निकालिए। नंबर 9, हड्डियों को मजबूत बनाती है वॉक। रोजाना की वॉक आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब आप तेज वॉक करते हैं तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बैलेंस अच्छा होता है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर संबंधित जोखिम को कम किया जा सकता है। नंबर 10, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है वॉक। रोजाना की वॉक आपके शरीर में कई तरीके से फायदे करती है। आपके शरीर में जहां रक्त का संचारण बेहतर होता है, आपके लंग्स की क्षमता में सुधार होता है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर होती है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, पैदल चलना सामाजिक होने और दूसरों से जुड़ने का भी एक शानदार तरीका है। आप चलने वाले समूह में शामिल हो सकते हैं या दोस्त और परिवार के साथ चल सकते हैं। तो इन लाभों को पाने के लिए आपको कितना चलने की जरूरत है? विशेषज्ञ सप्ताह में 5 दिन और कम से कम 30 मिनट चलने की सलाह देते हैं। इसीलिए जितना हो सके पैदल चलने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, चलना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल प्रभावी तरीका है। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है
और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। तो अपने वॉकिंग शूज पहन लें और आज ही वॉकिंग के फायदे का आनंद लेना शुरू करें। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।